दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज हाली अमावस्या, सभी को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं, राम राम नवे दिन की। आप सबका मोस्ट वेलकम है मेरे ब्लॉग में। आप सब भाई और बहनों, ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसे लगा और कहाँ कहाँ ऐसे इस प्रकार हमारी तरफ आप सभी अमावस्या मनवाते हैं। तो हमारे यहाँ बच्चे सुबह सुबह खेती कर रहे हैं। आप सब कैसे हो? आप सबका मोस्ट वेलकम है मेरे प्यारे भाई और बहनों। ऐसे ही प्यार सपोर्ट आपका मेरे साथ हमेशा बना रहे, यही आशा यही उम्मीद इसी एक नई किरण के साथ नए ब्लॉग के साथ आप सबका करती हूँ मोस्ट वेलकम। तो भाई और बहनों, सभी मेरा सपोर्ट प्यार ऐसे बनाए रखना और ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखना। हमारे यहाँ तो सुबह जल्दी उठते हैं, उठकर बच्चे खेती करते हैं और बाजरे के खीस को ओखली में कूट कर खीस बनाते हैं। देसी बाजरे का बहुत स्वादिष्ट और अच्छा होता है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है बनाने में, होता स्वादिष्ट है। आप किस किस के यहाँ ऐसे खीस बनाते हैं और ये है त्यौहार मनाते हैं, कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना आप सभी। और ये खेती बच्चों ने इतनी कर दी और अब बच्चे भाग कर घर चले गए हैं। मैं आई थोड़ी बहुत बाहर की लीव ले ली। ये देखो महेश आ गए हैं पीछे। महेश बोल रहा है मैंने खेती की है। नए दिन को सबको राम राम, ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी भाई बहनों कैसे हो? आई होप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये है सुबह सुबह की क्लिप, मैं तब की स्कूट रही थी तभी की। इस प्रकार हम बाजरे को थोड़ी गर्म पानी करके भिगो देते हैं थोड़ी देर के लिए और उसके बाद ऐसे ओखली में बाजरे को कूट कर पीस बनाते हैं, बारीक बारीक कर देते हैं। अब तो सब जगह मिक्सी हो गई है, लेकिन हमारे घर में मिक्सी नहीं है। मैं आज से ही कूट कर पीस बनाया है। तो ये देखिए इस प्रकार कूटती हूँ। इतनी सारी बाजरी ले ली है मैंने और इस प्रकार कूटते कूटते ये बिल्कुल बारीक और झीणी हो जाएगी, जैसे कि सक्की से पीसते हैं उससे भी अच्छी। उसके बाद बनाऊंगी खीस। तो आप बने रहना ब्लॉग में और मैं कैसे खीस बनाती हूँ आपको बताऊंगी। ये देखो पास में थोड़ी बहुत भिगो कर रखी है और थोड़ी कूट रही हूँ। अमावस्या थी, लेकिन नए दिन को हम बिलौना करना बंद नहीं करते हैं। तो आज मैंने अमावस्या को ही बिलौना कर लिया है। और ये देखिए खीस कूट कर हो गए हैं तैयार, पानी हो गया गर्म, तो उसमें डाल रही हूँ मैं। ये गरम पानी में डालकर इसमें समस घुमाऊंगी तो पक्का तैयार हो जाएगा। ये इसमें डाल देंगे समस, समस को तेज तेज घुमाएंगे और ये पानी में घुल मिल जाएगा और एकदम बनकर, ये देखिए पीस बनकर हो गए हैं तैयार। थोड़ा पकना बाकी है लेकिन अब बना हुआ ही है लगभग। अब बन पीस बंद कर हो गए तैयार। मैंने नीचे रख दिया है और बूढ़े बुजुर्ग थे वो कहते थे कुछ भी बनाकर जब नीचे रखते हैं तो उसके इसे पानी से, हम तो पहाड़ा बोलते हैं इसको, और ये करना सही है। तो अपने माता पिता के पेट ठंडा रहता है, इस प्रकार करने के बाद ही इसे इसमें से खाने की चीज़ को लेते हैं। तो हमेशा मैं कुछ भी बनाती हूँ, चाहे खीस हो चाहे हलवा हो चाहे कुछ भी बनाती हूँ, दूध को भी गर्म करके नहीं समेटती हूँ। तो ऐसे पहाड़ खड़े करके ही